अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में काफ़ी सारे छोटे बड़े स्टेशन आते हैं, जैसे कानपुर सेंट्रल, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन, टर्मिनल और सेंटर क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं मेरे चैनल PS मोटिवेशन। रेलवे स्टेशन के नाम के पीछे लिखे गए जंक्शन, टर्मिनल और सेंटर एक स्टेशन की कैटेगरी को प्रदर्शित करते हैं। आइए हम विस्तार से जानते हैं। फर्स्ट, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन स्टेशन की वह कैटेगरी होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक ट्रेनों के लिए रूट निकलते हैं। इस तरह के स्टेशनों पर ट्रेन एक साथ दो रूटों से आ भी सकती है और जा भी सकती है। सेकंड, टर्मिनल की बात करें। अक्सर आपने कई सारे स्टेशनों के नाम के पीछे टर्मिनल लिखा देखा होगा। टर्मिनल उन स्टेशनों को प्रदर्शित करता है जिन स्टेशनों के आगे कोई रेलवे लाइन नहीं होती। स्टेशनों पर ट्रेन आने के बाद आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। थर्ड, सेंट्रल के बारे में जानते हैं। सेंट्रल स्टेशन शहर के सबसे पुराने स्टेशन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी। सेंट्रल स्टेशन पर बाकी स्टेशनों के मुकाबले ज़्यादा सेवाएं मिलती हैं। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। यहाँ पर देश के कई बड़े शहरों से ट्रेनें आ और जा सकती हैं। सेंट्रल स्टेशनों के जरिए बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।